हाय फ्रेंड्स, आज आपको बॉश डिशवाशर के सेटिंग के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। अगर आपके बर्तन साफ़ नहीं हो रहे हैं बॉश डिशवाशर में, तो हो सकता है कि आपके तरफ का जो पानी है वो हार्ड हो और बर्तन में ग्लासेस में वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बर्तन चमकता हुआ स्टेन फ्री पा सकते हैं। तो पहले आप चेक करें कि आपका जो डिशवाशर है वो हार्डनेस के किस लेवल पर सेट है। सिक्स में है मैडम, अभी सेवन कर लीजिए। अच्छा, अगर आपने ये चेंज करके स्टार्ट दीजिए और सेव हो जाएगा आपको। उसका सेटिंग के लिए पहले इसको ऑन कीजिए और ये जो 40 डिग्री का जो साइकिल है इसको होल्ड कीजिए प्रेस करके। अच्छा। और देन स्टार्ट, ये सेटिंग आ जाएगा। अच्छा, प्रोग्राम हार्डनेस का, ड्राइनेस का, रिन सेट का, ये ऑटो प्रोग्राम का है, ये भी प्रोग्राम का है। आपको सिर्फ चेंजेस हार्डनेस और रिंस, ये रिंस का है और कर देता हूँ बस। जो भी सेटिंग आप चेंज करेंगे इधर स्टार्ट करेंगे, रिंस का क्या होगा चेंज करने से? वो क्वांटिटी थोड़ा कम लेगा। अच्छा, अभी 5 में था, थोड़ा ज़्यादा लेगा। अच्छा, 4 कर दिया। और ये कैसे कैसे करते हैं चेंज, एक बार फिर से बताइए। ऑन कीजिए 40 डिग्री का प्रोग्राम, जस्ट प्रेस एंड होल्ड एंड स्टार्ट। ओके, यही प्रेस करेंगे आपको ये रेंज है और ये प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये हार्डनेस H07 है। इसमें आपको चेंजेस जो भी हैं इधर करना है। अच्छा, करके इसका चेंजेस सेविंग के लिए स्टार्ट करना। अच्छा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, सेट कर दिया आपने? सेट कर दिया। अच्छा, 7 में अगर वाइटनेस आ रहा है तो उसके लिए आपको मशीन का इशू नहीं है, वाटर का हार्डनेस का होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।